और फिर उसके बाद एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। करीबन 350 बच्चे आए थे अपने एग्ज़ाम देने के लिए। बहुत सारी होप्स लेके आए थे कि हमारा भी निकल जाएगा। खैर सब किस्मत एंड वर्क हार्ड के ऊपर डिपेंड होता है। एक एक करके 40 बच्चों का नाम लिया और जैसे ही वो शांत हुए आई वॉज शॉक्ड। सो हाई एवरी वन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ लीडरशिप मैनेजमेंट एग्जामिनेशन विच इज़ हेल्ड इन IIM नोएडा ऑन 16th of May 2022। सो लेट स्टार्ट द वीडियो एंड बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दोज हु आर गोइंग टू गिव ऑफलाइन एग्जामिनेशन ऑफ एनी कंपनी एंड इफ़ यू आर गिविंग द फ्यूचर एग्जाम ऑफ लीडरशिप मैनेजमेंट सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो जर्नी स्टार्ट होती है हमारी 15th of May से। मॉर्निंग में मैं यहाँ से डिपार्च हो गया था और आफ्टरनून तक वहाँ पे पहुँच गया था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद मैंने वहाँ से मेट्रो किया और मैं अपने रिलेटिव के घर नोएडा पहुँच गया। उसके बाद 16 May को एग्ज़ाम था तो मैं मॉर्निंग 7 o'clock तक वहाँ पे पहुँच गया था IIM कैंपस 2 के बाहर। और फिर उसके बाद एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। करीबन 350 बच्चे आए थे अपने एग्ज़ाम देने के लिए। बहुत सारी होप्स लेके आए थे कि हमारा भी निकल जाएगा और हम एक रिप्यूटेड शिपिंग कंपनी से स्पॉन्सर्ड हो जाएंगे। बट हुआ क्या, सिर्फ 40 को फ्लीडशिप मैनेजमेंट ने इंटरव्यू देने का मौका दिया। खैर सब किस्मत एंड वर्क हार्ड के ऊपर डिपेंड होता है। और 1 से 1.5 घंटे बाहर वेट करने के बाद हमें एंट्री मिल जाती है और एंट्री के टाइम आप लोग को रजिस्टर में अपना नाम, पता एंड मोबाइल नंबर लिखना पड़ता है। उसके बाद कैडेट्स लोग आप लोग को वेट करने के लिए बोलते हैं अंदर जाके और आप लोग का आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, मार्कशीट, आधार कार्ड विद जीरोक्स एंड योर फोटोग्राफ। उसके बाद आप लोग को कैडेट्स इंस्ट्रक्ट कर देते हैं आप लोग को इस फ्लोर पे जाना है, इस रूम नंबर में जाना है। और फिर वहाँ पे जाने के बाद बेंचेस लगे रहते हैं जैसे कि क्लासरूम ही होता है वो। उसके बाद आप लोग वहाँ पे जाके अपने सीट से बैठ जाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद दिलीप सर आते हैं। उसके बाद वो एक आप लोग को रजिस्ट्रेशन फॉर्म देते हैं फ्लीट का। आप लोग को उसमें फिल करना पड़ता है बेसिक डिटेल्स एंड जो जो थिंग्स रहता है। और सेकंड पेज पे आप लोग को एक पैराग्राफ भी दिया जाएगा। आप लोग को मर्चेंट नेवी के बारे में पता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स पता है, तो आप लोग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ये फील्ड। तो आप लोग को आई थिंक 100 वर्ड्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ता है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। और फिर उसके बाद ऊपर जाके भी आप लोग को कैडेट्स आप लोग का मार्कशीट एंड विद जीरोक्स फोटोग्राफ ये सब देखते हैं और आप लोग को अपना ये सब जीरोक्स अटैच कर लेना होता है। और कुछ टाइम वेट करने के बाद आप लोग को एक एक करके कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। और 8:30 बजे एंट्री मिलने के बाद हमें करीबन 2 घंटे तक वेट करना पड़ा था। और 2 घंटे बाद हमारी टर्न आती है जिसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहता है 30 मिनट्स। और 14 May को फ्लीट मैनेजमेंट ने बोला था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। और हमें पता लगा कि 15 May को इसकी नेगेटिव मार्किंग इंक्रीज़ कर दी गई है, बहुत स्ट्रिक्ट पेपर होने वाला है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इंक्रीज़ हो गया था अप टू 50%, यानी कि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी। पेपर वाज नॉट टू मच हार्ड, नॉट टू मच इजी, वेल इट वाज ऑफ मीडियम लेवल। 30% आप लोग बोल सकते हो बहुत ही ईजी है, मतलब बेसिक डेफिनेशन से क्वेश्चन आए थे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में एंड इवन मैथ्स में भी। और 40% पेपर जो था मीडियम लेवल का था। इसके बाद जो 30% था वो थोड़ा हार्ड सा था। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप लोग को पूरा पेपर इजी लगेगा। पेपर में GK इंक्लूड थी, केमिस्ट्री थी, फिजिक्स थी, मैथ्स थी। और वहाँ पे पेपर देने के बाद पता लगा कि पेपर में 2 सेट थे जिसमें सिर्फ एक पेपर में सिर्फ केमिस्ट्री एंड जनरल नॉलेज पूछी थी भर भर के, और जो दूसरा पेपर था वो मिक्स पेपर था जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड GK थी। तो हर बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट सेट्स दिए जा रहे थे। और फ्लीट के रिटर्न में सेलेक्ट होना इसलिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी थी फ्लीट ने, 50%। माई गॉड, सोच सकते हो कितना ज़्यादा होता है। और पेपर देने के बाद आप लोग को लंच भी कराया गया था, आपसे 100 रुपये लिए गए थे उसके लिए। और लंच वॉज क्वाइट गुड, उसमें छोले थे, पूड़ी थी, सैलेड था और एक एक रसगुल्ला था। खाना खाने के बाद हमें 2:30 बजे बोला था कि आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, तो हम लोग थोड़े एक्साइटेड थे रिजल्ट के लिए। बट 2:30 से 3 बज के अभी तक कोई अता पता नहीं था कि रिजल्ट कब आने वाला है। और फिर बाद में पता चला कि हमारा रिजल्ट आने वाला है 4:30 बजे। तो गाइस वेट नहीं हो रहा था उस टाइम। और एक और मैं नेगेटिव बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पे कोई भी ऑप्शन अगर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है तो आप लोग उसे अंडो नहीं कर सकते हो।
अंडो, यानी कि आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हो, आप लोग को उसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज़ करना ही पड़ेगा। तो एक ये डिसएडवांटेज था थोड़ा। वहाँ के फैकल्टी ने बोला कि कट ऑफ इसका 50% है, और बाद में बोला कि 30-35 कट ऑफ था, बट आई डोंट थिंक सो कि कट ऑफ इतना ही होगा। मेरे ख्याल से 80-90% कट ऑफ गया था। और फिर जैसे ही 4:30 बजे नीचे गैदरिंग हुई, हम लोग का ग्रुप बना, तो वहाँ के कैप्टन सर ने नेम अनाउंस करने स्टार्ट कर दिए थे। एक एक करके 40 बच्चों का नाम लिया, और जैसे ही वो शांत हुए, आई वॉज शॉक्ड कि है फ्लीट मैनेजमेंट में नहीं हो पाया। तो फिलहाल बहुत बच्चे थे, बहुत दुख भी थे, और जिनका निकल गया था वो खुश भी थे। एंड इवन कि अभी तो फ्लीट मैनेजमेंट का इंटरव्यू भी हो चुका है। और फिर जैसे ही हम लोग का अपना रिजल्ट पता चला, हम लोगों ने अपना बैग कंधे पे टांगा और अपने घर को निकल गए। तो गाइस, यही था मेरा एक्सपीरियंस फ्लीट मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन के बारे में। इसके अलावा अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना उनको जो कि फ्यूचर में ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उनके लिए। और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपने अभी तक एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।